राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर विधिक सेवा सप्ताह का शुभारंभ आज अजमेर में किया जा रहा है। यह शुभारंभ अजमेर न्यायाधीश एसपी एसडीएम सिटी के नेतृत्व में किया गया। इस मौके पर विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ ही जिले के तमाम विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शक्ति सिंह शेखावत ने बताया कि विधिक जानकारी के साथ साथ राज्य सरकार की तमाम योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से यह सप्ताह मनाया जा रहा है और इस मौके पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की एक रैली को रवाना किया गया है, जो हाथों में तख्तियां लेकर लोगों के बीच विधिक साक्षरता की जानकारी के साथ ही सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दे रहे हैं। इस सप्ताह के तहत अलग अलग नुक्कड़ नाटक, आम सभाएं, प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा। यह सब तालुका स्तर तक किया जाएगा, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक साक्षरता को बढ़ावा मिले और लोग विधिक सेवा में मिलने वाले कानूनी जानकारी व लाभ को प्राप्त कर सके। इस उद्देश्य से इस सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर जल पर्यावरण संरक्षण के साथ ही स्वास्थ्य स्वच्छता को लेकर भी आम जन को जागरूक किया जा रहा है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर के द्वारा आज विधिक सेवा सप्ताह का आरंभ किया जा रहा है, शुभारंभ किया जा रहा है, जिसमें माननीय डीजे साहब, एसपी साहब, एडीएम सिटी साहब और यहाँ के विभिन्न एनजीओ के प्रतिनिधि, पीएलवी, पैनल एडवोकेट्स, बार प्रेसिडेंट और लगभग समस्त विभागों के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। आज विधिक सेवा सप्ताह 3 नवम्बर को शुरू किया जा रहा है, जो 9 नवम्बर को समापन किया जाएगा। इसमें हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जिला मुख्यालयों पर और तालुका स्तर पर हम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें न्यायिक अधिकारियों की, पीएलवीज की, पैनल एडवोकेट्स की टीम का गठन कर दिया गया है और ये जगह जगह जाकर के, दूर दराज क्षेत्रों में जाकर के विधिक जानकारियां प्रदान करेंगे। इस सप्ताह के आयोजन के पीछे मुख्य लक्ष्य ये है कि चूँकि नालसा रालसा और राज्य सरकार की जो जनकल्याणकारी योजनाएँ हैं उनकी जानकारियाँ वेबसाइट पर तो उपलब्ध है, लेकिन चूंकि हमारे देश में गरीबी और अशिक्षा बड़े पैमाने पर व्याप्त है तो लोगों तक ये जानकारियाँ नहीं पहुंच पाती हैं। उसी प्रयास में एक विधिक साक्षरता और जागरूकता के लक्ष्य से आज इस रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अधिकाधिक संख्या में हम यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, जो रैली स्टार्ट होकर के कलेक्ट्रेट तक जाएगी, उसके बाद जो कार्यक्रम की विधिवत शुभारम्भ है वो माननीय डीजे श्री अरुण कुमार सक्सेना साहब के द्वारा किया जाएगा।